So as far as the directives and everything is concerned, so directives, keyword and context, तीन aspects हैं हर question के अंदर. Directive का concern होता है with respect to the way information should flow in a particular answer. किस तरह से कोई एक information answer के अंदर आनी चाहिए. जैसे अगर आपको लिखा जाए कि examine the relationship between biodiversity and the anthropogenic factors, है ना, तो examine करना एक directive है वहाँ पर. किस तरह से आपकी information इस question में आनी चाहिए, that is being told to you. So we got two kinds of directives essentially. One kind of directive is basic simple directive, okay, and other kind of directive is analytical directive. Iski third category bhi hai, that's what we called as compound directive. Simple directives are like what, jab koi fact pucha jaye seedha seedha ya fir definition puchi jaye, like what is MSP, is tarah se questions aapke aaye hain, theek hai. When is hardly asked in mains kyunki unko timeline se zyada concern nahi hai, theek hai. Then where, why, how, these are the things. When and where are losing their relevance in UPSC mains, they are more relevant in UPSC prelims, okay. So as far as these directives are concerned, aapko what, why or how, ye concerning directive reh jata hai. Why main aapko causes ya reasons batane hai, you know that. How ke andar aapko essentially process batana hai. स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, किस तरह से कोई काम हुआ उसके बारे में बात करनी है, ठीक है. देन नेक्स्ट जो हमारा डायरेक्टर्स हैं, जो एनालिटिकल डायरेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं, इसमें आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जामिन, एनालाइज, डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन या एनालाइज, कुछ भी लिखते हैं इसके आगे, इलैबोरेट, कमेंट, या इवैल्यूएट. आमतौर पे यूपीएससी ये वाले डायरेक्टर्स जो हैं एनालिटिकल डायरेक्टर्स यूज करता है. एग्जामिन जो है, तो याद कीजिए आपके एग्जाम्स हुआ करते थे कॉलेज के टाइम पे एंड सो ऑन सो, है ना. अब ये एग्जाम्स के अंदर होता क्या था एसेंशियली, सी अंडर दीज एग्जाम्स यू वर टेस्टेड इन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैरामीटर. कोई क्वेश्चन होते थे उसके अगेंस्ट आपको टेस्ट करते थे एंड सर्टन मार्क्स वर आल्सो गिवन और अ स्कोर वाज गिवन. यस, सो यू एग्जामिन्ड, यू वर एग्जामिन्ड with respect to certain subjects and you were scored in that examination. अब इन्हीं parameters के base पे जो आपका score आता था वो बता रहा है, score is 10 out of let's say 20. So subject 2, subject 3 हर जगह इस तरह से examination चल रहा है. अब इस सारे examination के process के बाद कुछ भी certainly नहीं कहा जाता था, बस जैसे आप blood test कराने जाते हो तो blood test is also called blood examination. तो उसमें बस लिख देते हैं कि भाई ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, इस तरह से लिख के काम खत्म करते हैं. ये और है ना कि सी बी सी काउंट इतना है, टी एल सी काउंट इतना है, डी एल सी काउंट इतना है, एंड देन दे फिनिश ऑफ, इजंट इट. सो व्हेन सच इज अ सिचुएशन वी कॉल इट एग्जामिनेशन. सो व्हेन वी एग्जामिन अ टॉपिक वी हैव टू एग्जामिन दैट टॉपिक बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स. Essentially, therefore, examine as a directive is trying to elaborate, likh lo apne paas, trying to elaborate a particular keyword, keyword or a particular concern जिसके बारे में भी क्वेश्चन में बात हो रही है
बाई यूजिंग फैक्चुअल डेटा या रियल डेटा ओके या थ्योरेटिकल डेटा। एग्जामिनेशन दो तरह से होता है, एक होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, एक होता है थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन। आमतौर पे जनरल स्टडीज के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिकल डेटा या रियल टाइम डेटा के बेस पे एग्जामिनेशन आपको करना होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके ऑप्शनल के अंदर कई बार क्वेश्चन आते हैं तो देयर यू आर बाउंड टू डू एसेंशियली थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो थ्योरेटिकल और रियल टाइम और प्रैक्टिकल दो तरह का एग्जामिनेशन आपके पास है। जैसे फर्स्ट कीजिए, एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टूवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, कि इंडिया ने जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं कितना पोल्यूशन क्रिएट करता है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना एमिट करता है। अब इसका आपको डेटा मिलेगा रियल टाइम के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, तो आपके पास डेटा जाते रहते हैं कि इतना पार्टिकुलेट मैटर आ रहा है, ये इंडस्ट्री है जो इतनी पोल्यूट कर रही है, फिर इस तरह से इंडिया उसमें कुछ एफर्ट्स ले रहा है बट वो कितने सफिशिएंट हैं। तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते रहते हैं और उन्हीं एडिटोरियल्स से आपको कुछ ना कुछ डेटा आप कलेक्ट करते रहते हो वैल्यू एडिशन बेस्ड ऑन आपके जो जो टॉपिक्स हैं मेंस के अंदर, ठीक। सो दैट इज द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। देन देयर कैन बी अ थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन दैट फॉर एग्जाम्पल examine the contributions of Raja Ram Mohan Roy towards India's socio-religious reform movement, है ना। तो अब इसका कोई जितने भी historical facts हैं वो तो हैं but ज़्यादातर ideological level पे हम उनकी contribution देखते हैं कि women empowerment की बात की, तो ये theoretical बात ही है, है ना। हम ये तो नहीं कहते कि दिस मच परसेंटेज वुमेन एम्पावरमेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ राजा राम मोहन रॉय एफर्ट्स, ये नहीं कह सकते। हम सिंपल बोल सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, हम सिंपल बोल सकते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स, हम सिंपल बोल सकते हैं मोनोथीइज्म, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते कि 10% मोनोथीइज्म वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय, रेस्ट 90% केम फ्रॉम समथिंग एल्स, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए थ्योरेटिकल लेवल पे एग्जामिनेशन भी किया जाता है और प्रैक्टिकल लेवल पे भी किया जाता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का टॉपिक है उसका, उस तरह से एग्जामिन हो जाएगा। एग्जामिन का डायरेक्टर समझ आया? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। Next I'm taking up analyze. So analysis कैसे होता है? अब यहाँ पे भी you can do theoretical, my pad is misbehaving, theoretical analysis and you can do real time analysis. When you analyze and when you examine, there are two basic differences between analyze and examine. In examination, you don't give conclusion, while in analysis, there has to be a conclusion. बस ये फर्क है। Dimensions यहाँ पे भी आ सकती, dimension one, dimension two, और dimensions यहाँ पे भी आ सकती। बस यहाँ पे ये रहेगा कि हर dimension का एक conclusion रहेगा, और अगर सिंगल डायमेंशन की बात हो रही है तो सिंगल डायमेंशन का कंक्लूजन रहेगा। सो एनालिसिस इज ओनली आफ्टर यू प्रोवाइड अ कंक्लूजन, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एग्जामिन एंड एनालिसिस, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। बात वही रहेगी लेकिन आप एग्जामिन वाले क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन नहीं लिखोगे, बस एग्जामिन करोगे और छोड़ दोगे, डेटा दोगे, फैक्ट स्टेट करोगे और छोड़ दोगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था ब्लड टेस्ट का, तो आप ब्लड टेस्ट कराने डॉक्टर से गए, उसकी एक रिपोर्ट आ गई, यहाँ तक एग्जामिन ही, ठीक है। उसको फिर डॉक्टर ने स्टडी किया और स्टडी करके एक एनालिसिस आपको दिया कि भाई
आपको ये करना है और ये नहीं करना है, ये खाना है और ये नहीं खाना है, ये आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आने वाले टाइम में, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, समझा? दिस इज द एनालिसिस पार्ट व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग कंक्लूजन्स आउट ऑफ इट. टिल हियर इट इज द एग्जामिनेशन पार्ट. गॉट इट क्लियरली? व्हाट इज एनालिसिस? यस सर. नाउ लेट्स गो अहेड. Let's take up next one. Okay. Now, next is evaluate. So, when you evaluate something, you do comparison. You set a standard, and in comparison to that standard, you evaluate. Okay, this is the standard, let's say 100%. Now, how is this guy or this topic or this particular statement performing with respect to this? While evaluating, you can create one standard, two, three, as per your requirement. Number of standards are as per the context of the question. कि सोशल हिसाब से देखें तो ये हो रहा है, पॉलिटिकली देखें तो ये हो रहा है, इकोनॉमिकली देखें तो ये हो रहा है, इस तरह से. तो ये स्टैंडर्ड्स हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है? सो दैट इज द पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन. ठीक, दैट लेट्स से कृष्णदेव राय वाज द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया. नाउ फर्स्ट स्टैंडर्ड इज वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. Then if it is false, you don't need to evaluate any further. If it is slightly true, you need to then compare it with the others. कि भाई इसका काम है, लेकिन सिर्फ इसी का काम नहीं है. All time greatest नहीं बोल सकते. ठीक है, थोड़े बहुत तक है. But the idea. Next. Now when they write critically in front of examine or analysis, so what changes? The only change that happens is now you start giving reasons that why it is like this. In examine, if you come out with a certain data or theoretical examination, you have to tell why this data occurred or why this particular theoretical fact also came. ठीक है? Analysis के अंदर भी you are giving this data plus you are giving conclusion plus you have to also state why. तीन काम हो जाएंगे जहां पे क्रिटिकली एनालाइज आएगा, दो काम होंगे जहां क्रिटिकली एग्जाम आएगा. क्रिटिकली का लिखने का मतलब उनका रीजन से है. ये रीजन्स बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है. ये रीजन बताने का तरीका एक हो सकता है कि आप प्रोज एंड कॉन्स की फॉर्म में बता देते हैं, जो कि 70% स्टूडेंट्स यूपीएससी में यही करते हैं, ठीक है? पर ये एक सिंगल तरीका नहीं है. आप सीधा सीधा रीजंस भी अगर बता देंगे तो भी चलता है कि ये ऐसा इसलिए है, और 30% स्टूडेंट्स ऐसे बताते हैं. इन 70% के मार्क्स नहीं आते क्योंकि ये हर जगह यही आइडियोलॉजी फिट करने की कोशिश करता है, प्रोज एंड कॉन्स. ये करेंगे तो इसमें ये अच्छा है और ये करेंगे तो इसमें ये बुरा है. अगर आप रीजन स्टेट करके उसको कहीं कंटेक्चुअल मैनर में प्रेजेंट करोगे, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट बताते हुए, तो फिर ज्यादा अच्छा आएगा. जैसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं दैट जीएसटी इज अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड यू नो द बेस्ट टैक्स रिफॉर्म दैट कुड हैव बीन पॉसिबल फॉर इंडिया एट द गिवन टाइम, एग्जाम और क्रिटिकली एग्जाम ऐसे स्टेटमेंट लिख देते हैं. जीएसटी हैज बीन द बेस्ट पॉसिबल टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, क्रिटिकली एग्जाम. तो उस टाइम पे अब ठीक है, आप जीएसटी के बारे में बताओगे कि भैया ये इस सर्कमस्टांस के अंदर इसको लेके आए हम, और हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि हम अपने टैक्स रिफॉर्म्स करें, उसको प्रोग्रेसिव भी बनाएं इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम को, और अलग अलग स्लैब्स हम क्रिएट करें, वन नेशन वन टैक्स क्रिएट करें, जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस है उसको ख़त्म करें. तो इस तरह के कंसर्न्स आपके हैं और वो कंसर्न्स आप बता रहे हैं वहाँ पर.
तो दैट इज द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर जीएसटी वॉज बेस्ट. तो इतना बता दिया तो आपका एग्जामिन पार्ट हो गया. ठीक, अब है क्रिटिकली, मतलब इसमें रीजंस भी स्टेट करने हैं, है ना. तो उन रीजंस को आप स्टेट करेंगे तो साथ में स्टेट करते चले जाएंगे. अब यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स लिख के काम अगर करोगे तो वो बहुत बचकाना लगेगा. हर फैक्ट के साथ, जैसे आपने बोला कि वन नेशन वन टैक्स एस्टैब्लिश करना है, तो साथ ही में आप उसका थोड़ा सा ये भी कह दोगे कि डिस्पाइट दिस पर्टिकुलर डिजायर टू क्रिएट वन नेशन वन टैक्स, मल्टीपल टैक्स स्लैब्स गॉट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द नीड टू क्रिएट प्रोग्रेसिवनेस इन द टैक्स रेजिम. है ना, कि हम एक खाने पीने की वस्तु के ऊपर और लग्जरी आइटम के ऊपर सेम तरह का टैक्स तो नहीं लगा सकते. तो उस जरूरत की वजह से एक सिंगल टैक्स रेजिम नहीं आई, बस एक मल्टीपल स्लैब्स आ गए. उन्हीं मल्टीपल स्लैब्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं. तो वन नेशन वन टैक्स तो है, ये तो है कि एक चीज पे थ्रू आउट इंडिया सेम टैक्स लगेगा, बट ये नहीं है कि सिंगल टैक्स रेजिम. ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्रिटिकली एग्जामिन भी हो गया. तो इस तरह से बात करनी है, क्लियर हुआ, बजाय इसके कि आपको कौन को कौन में चलते रहो. अब जो एक डायरेक्टिव है हमारा, दैट इज डिस्कस एंड कॉमेंट, ये दो हमारे डायरेक्टिव्स रहेंगे. सो व्हेन यू से डिस्कस, सो डिस्कस इज एन ओपन एंडेड डायरेक्टिव, ओपन एंडेड डायरेक्टिव. जैसे हम दो जने बैठ जाएं और डिस्कस करना देते हैं कि भाई लेटेस्ट फार्म बिल्स जो हैं वो कैसे हैं, तो हम जो भी टॉपिक जहाँ से भी बिना सिर पैर के शुरू कर सकते हैं और वो अपने आप में हमारी डिस्कशन चल रही है. सो ये सबसे सेफ डायरेक्टिव है अगर यूपीएससी पूछ रहा है तो, क्योंकि इसमें फिर आपके नंबर आएंगे वेदर और नॉट आपने आंसर अपना जो है डायरेक्टिव के हिसाब से लिखा है. बाकी में तो अगर आप डायरेक्टिव के हिसाब से इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं है तो नंबर कटेंगे, लेकिन डिस्कस में आप बच जाते हो. बट यहाँ पे एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है, इट शुड हैव अ स्टार्ट एंड इट शुड हैव ए फिनिश. क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन स्टार्ट कैसे करनी है और ख़त्म कैसे करनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. कुछ भी इन दोनों में से अब्रप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब देर हैज टू बी अ स्मूथ वन लाइन इंट्रोडक्शन एंड अ स्मूथ वन लाइन कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, एंड देन योर डिस्कशन हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल इन नेचर. It has to be interdisciplinary. It has to be supported by facts. It has to be grounded in reality. Hypothetical baatein nahi karni. Likh lo apne paas. Your discussion has to have a start and a finish. It should be multidimensional, interdisciplinary, supported by facts and grounded in reality. Okay. Yes or no? Yes, sir. So this is discuss. Next comes comment. So when I say comment, so there will be something like this, a statement, and then in the end they'll say comment. Now a comment is always for and against, दोनों comments देने होते हैं. अगर सिर्फ एक देके छोड़ गया तो बात नहीं होती, ठीक है. So give both, and जो आपको अगर balanced कोई लगता है कि ये ज़्यादा better है तो end में उसकी conclusion में उसको use करो कि this is where I side with. ठीक हो गया. अब इन सब डायरेक्टिव्स के बाद कई बार आ जाते हैं कॉम्पाउंड डायरेक्टिव्स. ये थर्ड कैटेगरी है और ये थोड़े से मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं कभी कभी. कॉम्पाउंड डायरेक्टिव, आज मेरा राइटिंग पैड थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर रहा है, इट्स नॉट दैट स्मूथ, मे बी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. कॉम्पाउंड डायरेक्टिव है जैसे
क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लिखा हो हाउ और फिर सेकंड पार्ट में फुल स्टॉप लगा के लिखने एग्जाम दैट हाउ इंडियाज रीसेंट पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग लेड टू दिस पर्टिकुलर रिजल्ट एग्जाम Why India did this in this context? Examine. और इस तरह से जैसे कोई भी एक स्टेटमेंट दिया What is this? Discuss. या फिर बोला How this will be done? Critically analyze. So basically दो directives हैं एक नहीं है ठीक है Do you understand what is compound directive ना तो दो इकट्ठे use हुए हैं वहां पर Single एक directive में use हो रखा Getting some idea? Hello. Yes, sir. So, ऐसे directives में तो जैसे how के साथ लग गया critically exam. ऐसे लग गया. तो how में क्या बताना था process. तो critically examine करना किसको है process. What में क्या है? Let's say what के साथ लग गया discuss. So what is MSP? Discuss. Let's say. तो किसको डिस्कस करना है वॉट को बात समझ आ रही मतलब MSP को डिस्कस करना है आपको इस तरह से सो दिस इज आवर डिस्कशन ऑन डायरेक्टिव्स इन डायरेक्टिव्स का जो एक मीनिंगफुल प्रिमाइस है वो मैं आप सबको प्रोवाइड कराता हूँ एक डॉक्यूमेंट आई गिव यू ओके आई शेयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड इन दैट डॉक्यूमेंट वी विल बी डीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ्स की सारे डायरेक्टिव्स के बारे में आपको जो मूल तौर पे जानकारी है वो मिल जाएगी क्लियर है